थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। अपने आप को और सब वचन के सुनने वालों को जो मन लगाकर आपका वचन सुन रहे हैं आपके हाथों में सौंपते हैं, और अनुग्रह जो आप हम पर करते हैं उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम आपके वचन को सुने और विश्वास के साथ सुने और सुनकर ग्रहण करें, और प्रभु इन वचनों को अपने हृदय में रखें ताकि प्रभु आपके वचन हमारे जीवन में आपकी सामर्थ को प्रकट करें, आपकी इच्छा को पूरा करें, और हमारा जीवन आपकी इच्छा के योग्य हो सके और हमारे जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो वैसी जैसी आपके वचन में लिखित है, ताकि प्रभु आपका नाम हम सब के जीवनों में महिमान्वित होने पाए और इस पृथ्वी पर आपका राज्य लोगों को दिखाई दे, हमारी जिंदगियों में दिखाई दे, हमारे परिवारों में दिखाई दे और हमारी कलीसिया में दिखाई दे, ताकि प्रभु आपका नाम हम सब के जीवन से महिमान्वित होता जाए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए। चाहते प्रभु हम वचन को पढ़ने वाले नहीं, वचन को केवल सुनने वाले नहीं, बल्कि इन वचनों के अनुसार चलने वाले, इन वचनों के अनुसार करने वाले, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपकी इच्छा पूरा करने वाला जीवन बने, आपकी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी हों और आपकी महिमा प्रकट हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 12, 12वां पार्ट है, लाइट ऑफ लाइफ, जीवन की ज्योति। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसके 12 पद में यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसके 12 पद में यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा। पहली चीज, जो मेरे पीछे हो लेगा, स्वेच्छा वाला काम है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, और यीशु मसीह यहाँ पर लोगों को स्वैच्छिक निमंत्रण दे रहे हैं कि जो कोई मेरे पीछे हो लेगा और वो व्यक्ति की पहचान ये होगी कि वो अंधकार में नहीं चलेगा। और इस समय हम लोग अंधकार और ज्योति के बारे में ही सीख रहे हैं, वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। कौन पाएगा? जो यीशु मसीह के पीछे अपनी इच्छा से हो लेगा, उसको फॉलो करेगा, उसको उसके वचन के द्वारा वो व्यक्ति जीवन की ज्योति पाएगा, वो अंधकार में नहीं चलेगा, जैसे सब चल रहे वैसा नहीं चलेगा, वो जीवन की ज्योति पाएगा, ये वायदा है। तो जीवन की ज्योति हमें मिलती कब है? जब हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानना शुरू करते हैं और अपने जीवन में लागू करना शुरू करते हैं। द वर्ल्ड हैज अ डार्केंड माइंड। इस संसार में जितने भी लोग हैं, सांसारिक लोग, इनका माइंड जो है, मन जो है, वो बुद्धि अंधकार से भरी हुई है, एकदम डार्केंड माइंड। दे प्रोफेस टू बी वाइज। वो अपने आप को बुद्धिमान बताते हैं, वो अपने आप को बुद्धिमान बोलते हैं कि हम बुद्धिमान हैं, व्हेन दे आर रियली फूल्स। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के नजरिए से अगर हम देखें तो वो सब मूर्ख हैं। दे डिनाय द लिविंग गॉड बाय वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स और देमसेल्व। यानी वो अपने आप को बुद्धिमान बताते हैं और अपने आप को बुद्धिमान जताते हैं, लेकिन है नहीं, वो है मूर्ख। पता कैसे चलता है? क्योंकि वो परमेश्वर को त्याग कर, परमेश्वर का को किनारे करके, जीवित परमेश्वर को किनारे करके वो आराधना किसकी कर रहे हैं? फॉल्स गॉड्स, यानी झूठे ईश्वरों की और स्वयं की आराधना कर रहे हैं, और डिनाइंग गॉड्स एग्जिस्टेंस, और परमेश्वर की, परमेश्वर के वजूद को, उसकी उपस्थिति को नकार रहे हैं, और ऑल टुगेदर सब मिलकर उस चीज को नकार रहे हैं कि नहीं, परमेश्वर कोई है ही नहीं, हम जो कर रहे हैं, हम जिसको ईश्वर कह रहे हैं वो ईश्वर है, ऐसा मानते हैं लोग। भजन संहिता 14 अध्याय और उसका 1-6 पद में देखेंगे, यहां भजन संहिता में यहां पर बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। कौन? अपने, आपका मन यदि ये
कह रहा है, आपके मन में ये विचार है या आपके मन में ये बात बैठी हुई है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, तो इसके ऐसे लोगों के लिए बताया गया कि वे मूर्ख हैं, मूर्ख हैं जो परमेश्वर को नहीं मानते, नहीं जानते और जानना नहीं चाहते। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। वहां उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा उसका शरण स्थान है। यहाँ पे परमेश्वर और परमेश्वर के लोग और संसारिक लोगों के विषय में कंपैरिजन में बात की जा रही है। द वर्ल्ड इज डार्क बिकॉज दे डू नॉट नो एंड एक्नॉलेज गॉड। ये संसार अंधकार से भरा हुआ है, क्योंकि संसार के लोग या सांसारिक लोग दे डू नॉट नो। नो को मैंने रेड में इसलिए लिखा है, क्यों संसार अंधकार में, क्योंकि संसार में लोग परमेश्वर को नहीं जानते। एंड एक्नॉलेज का मतलब उसको पूरी तरीके से पहचानते नहीं है, उनके पास प्रमाण नहीं है कि परमेश्वर है। बट लेकिन बिलीवर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले विश्वासी आर लाइट। वो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले जो विश्वासी हैं वो ज्योति हैं, बिकॉज दे नो द लाइट, क्योंकि वो ज्योति को जानते हैं। दे नो गॉड, ज्योति, परमेश्वर ज्योति है, और ज्योति को जानना परमेश्वर को जानना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय का 3 पद, यहां पर यीशु मसीह महायाजकीय प्रार्थना में है और वो सब लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने चेलों के लिए और अपने लिए, सबसे पहले अपने लिए, फिर अपने चेलों के लिए, और फिर उन चेलों के द्वारा जो लोग विश्वास लाएंगे, यानी आज और आगे तक की पीढ़ियों के लिए, सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और यहाँ पे 17 अध्याय के 3 पद में यीशु मसीह कह रहे हैं, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यानी हम यीशु मसीह को जानते हैं तब हम सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, और यही अनंत जीवन है। बिलीवर्स आर लाइट बिकॉज दे नो द गॉस्पल एंड स्क्रिप्चर। यानी विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे ज्योति हैं, क्योंकि वे जानते हैं, क्या जानते हैं, सुसमाचार जानते हैं, एंड स्क्रिप्चर यानी परमेश्वर का वचन जानते हैं। एंड द वर्ल्ड इज डार्कनेस, और पूरा संसार जो है वो अंधकार है, बिकॉज दे रिजेक्ट रेवलेशन, क्योंकि संसार के सब प्राणी परमेश्वर के ये वचन का, जो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रकाशन है, इसको रिजेक्ट करते हैं, इसको यानी सिरे से नकार देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो कोई चीज एक्सेप्ट नहीं की जाती है, बहिष्कृत कर देना यानी स्वीकार करना और बहिष्कृत करना, तो लोग परमेश्वर के सुसमाचार को और परमेश्वर के वचनों को ग्रहण ना करके उसका बहिष्कार करते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं। यह परमेश्वर का प्रकाशन है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 4 पद, यहां पर पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा एक बात लिखा रहा है, और ये बात हमारे और आपके काम की बात है। 4 अध्याय के 4 पद में लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। यानी परमेश्वर के सुसमाचार का प्रकाश उन लोगों पर नहीं चमकता जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। पहले विश्वास करना है, फिर परमेश्वर की ज्योति हमको मिलती है। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 18 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य। ये क्रूस की कथा यानी सुसमाचार, ये अविश्वासियों के लिए, जो विश्वास नहीं करते उनके लिए ये मूर्खता है, लेकिन जो विश्वास करते हैं उन्हीं के लिए ये सामर्थ है, परमेश्वर की सामर्थ।
नॉट ओनली आर अनबिलीवर्स ब्लाइंडेड टू द गॉस्पल, यानी केवल अविश्वासी केवल यानी सुसमाचार को देखने के लिए अंधे नहीं है, बट स्क्रिप्चर इन जनरल, बल्कि सामान्य तौर पर वो परमेश्वर के वचन के विषय में भी ब्लाइंड है। उनके माइंड में जब वो वचन सुनते हैं उनको कुछ नहीं समझ में आता, वो काफी लंबे समय तक वचन सुनते रहेंगे तब भी उनको नहीं समझ में आएगा, केवल वो सुनते रहते हैं, समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि पहला कदम है विश्वास। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 14 पद में ये बात खोली गई है, पौलुस ने खोली है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वो उन्हें जान सकता है क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। जिस चीज, जब हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं होता है और हम प्रभु में अभी नए नए आए हैं, पहली बार कलीसिया में आए या हम अभी नए नए कलीसिया में आना शुरू हुआ है और आपको अभी पवित्र आत्मा नहीं मिला है, तो उसकी पहचान ये है कि आप, हो सकता है आपको 2-3 साल तक 4 साल तक 5 साल तक 8 साल तक पवित्र आत्मा जब तक नहीं मिलेगा, आप वचन को सुनेंगे, आपको सुनने में अच्छा लगेगा लेकिन वो आपके जीवन में काम नहीं करेगा क्योंकि वो आपके माइंड में क्लियर नहीं होगा, आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को नहीं ग्रहण करता क्योंकि उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वो उन्हें जान सकता क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। जो चीज बिना पवित्र आत्मा के हम आत्मिक नहीं है और जब तक हम आत्मिक नहीं है हम परमेश्वर के वचनों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, वो हमारा फिर उसमें इंटरेस्ट ज्यादा वचन में नहीं होता है। व्हाइल द वर्ल्ड रिजेक्ट स्क्रिप्चर एंड कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, इसीलिए परमेश्वर संसार जो है वो परमेश्वर के वचनों को रिजेक्ट करता है, बहिष्कार करता है क्योंकि वो उसको समझता नहीं है। वर्ड ऑफ गॉड यानी स्क्रिप्चर मींस वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन इज द बिलीवर्स डेली ब्रेड, जबकि परमेश्वर का वचन यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए प्रतिदिन की रोटी है, ये हमारी आत्मा की रोटी, आत्मा की खुराक है। अय्यूब की पुस्तक उसका 23 अध्याय का 12 पद पढ़ेंगे, अय्यूब की पुस्तक और उसका 23 अध्याय और उसके 12 पद में लिखा हुआ है, 23 अध्याय, क्या परमेश्वर स्वर्ग के नीचे, स्वर्ग के ऊंचे स्थान में नहीं है, ऊंचे से ऊंचे नहीं, 23 अध्याय 23, ये मिल गया 23 अध्याय, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे हैं। अपनी इच्छा से कहीं अधिक यानी कीमती समझकर मैंने अपने काम के जानकर सुरक्षित रखे हैं, कहां, अपने हृदय में। वो अय्यूब कह रहा है कि उसने परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखा है, अपनी इच्छा से बढ़कर उसने परमेश्वर के वचनों को महत्व दिया है और यही एक सच्चे विश्वासी की सबसे बड़ी पहचान है। और इसके अलावा दूसरी कॉन्स्टेंट मेडिटेशन, और जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है वाकई में और पवित्र आत्मा पा जाता है, उसकी पहचान है वो परमेश्वर के वचन से जुड़ जाता है, एकदम वचन उसके लिए मायने रखता है और वचन का वो भूखा प्यासा हो जाता है। और यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में कहा भी था, ये वो उसके राज्य के वो लोग हैं, उसने कहा धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यानी हमारे अंदर परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास होनी चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति में हाजिर होने की भूख प्यास होनी चाहिए। ये हमारे अंदर एक ऐसी इच्छा होती है जिसमें हम रुक नहीं पाते और हम परमेश्वर के भवन की ओर भागते हैं और परमेश्वर कलीसिया में उपस्थित होने के लिए प्रिपेयर रहते हैं और समय से हाजिर होते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं और हमारा भोजन, आत्मिक भोजन, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की उपस्थिति है और ये हमारे लिए भोजन से भी और हमारी इच्छा से भी बढ़कर है। और इसीलिए ये दाऊद कह रहा है भजन संहिता उसका पहला अध्याय पहले अध्याय का 3 पद
दो पद यहां पे लिखा हुआ है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता। कौन? जो परमेश्वर की, परमेश्वर के बच्चे हैं, जो यीशु मसीह पर वाकई में विश्वास कर लेते हैं, जिन्हें जीवन की ज्योति उन्हीं लोगों को मिलती है। क्यों? क्योंकि वो रात दिन परमेश्वर के वचन में ध्यान किए रहता है, मेडिटेट करता है, और उसके साथ साथ एंड जॉय, आनंद करता है। भजन संहिता 119 अध्याय, भजन संहिता इसका 119 अध्याय और 119 अध्याय का 24 पद पढ़ेंगे। 119 अध्याय और इसका 24 पद यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तेरी चेतावनियां मेरा सुखमूल और मेरे मंत्री हैं। परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में मंत्री का काम करते हैं, हमें निर्देश देने का, हमें वार्निंग देने का, हमें सावधान करने का, हमें बुद्धि देने का, हमें परमेश्वर के मार्ग में अगुवाई करने का। ये सारी चीजें हमें वचन से मिलती है। बिलीवर्स आर कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ लाइट, इसीलिए मसीह पर विश्वास करने वाले वास्तविक जो विश्वासी हैं वे चिल्ड्रन ऑफ लाइट, ज्योति की संतान कहलाते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और 7-9 पद तक देखिए, यहां पर लिखा हुआ ये पहचान बताई जा रही है, एक सच्चे मसीही की पहचान। 5 पद से, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्याभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। यह है ज्योति की पहचान। ज्योति, हम प्रभु में ज्योति हैं। हमको ज्योति मिली नहीं है, हम प्रभु में ज्योति हैं, स्वयं ज्योति हैं। तो हमारे द्वारा लोग परमेश्वर को जाने, हमारे जीवन से परमेश्वर प्रकट हो लोगों के बीच में। भजन संहिता 18 अध्याय के 28 पद में, 18 अध्याय के 28 पद में ऐसे लिखा हुआ है, हां तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। ये दाऊद कह रहा है, तू मेरे हृदय में अपना दीपक जलाता है और हमारे अंधियारे को, हमारे जीवन को जो अंधियारा था उसे उजियाला कर देता है, हम ज्योति बन जाते हैं। भजन संहिता 27 अध्याय उसका पहला पद यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 27 अध्याय का पहला पद, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? मैं, यानी हमको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं जब परमेश्वर की ज्योति हमारे जीवन में आ गई। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 5 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 5 पद में, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। लेकिन इंग्लिश में मालूम क्या लिखा है? इंग्लिश में लिखा है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार उस पर जयवंत नहीं हुआ, यानी उस पर अंधकार का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अंधकार यानी ज्योति, अगर यहां लाइट जल रही है तो अंधेरा टिक नहीं सकता, तो अंधेरा कभी भी ज्योति पे जयवंत नहीं हो सकता, उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। ज्योति अंधकार पे कंट्रोल करती है और इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है, और पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 5 पद, जब हम एकदम सही तरीके से परमेश्वर के वचन को समझेंगे तो हमारे जीवन से वही चीज प्रकट होनी चाहिए जो हम परमेश्वर के वचन से समझ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार ही हमारा जीवन नापा तौला जाएगा। पहला यूहन्ना और उसका पहला अध्याय और उसके 5 पद से यहां पर लिखा, ज्योति में चलना, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, किसके साथ? परमेश्वर के साथ, और अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं
और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 12 अध्याय का 35 से 37 पद देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 35 से 37 पद, और यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 35 से, यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। प्रभु यीशु मसीह हमें भक्त नहीं बनाने आया था, प्रभु यीशु मसीह हम सबको ज्योति बनाने आया था, ज्योति की संतान। परमेश्वर ज्योति है और हम परमेश्वर की ज्योति हमारे जीवन से प्रकट हो ताकि हमारा जीवन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हो कि हम परमेश्वर की संतान है। हमें किसी को अपने आप को प्रकट करने के लिए मुंह का इस्तेमाल ना करना पड़े, हमें अपने आप को लोगों को ये ना बताना पड़े कि हम विश्वासी हैं या हम क्या विश्वास करते हैं, बल्कि हमारा जीवन परमेश्वर की सामर्थ को परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाला हो, पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा और मसीह के समान हमारा स्वभाव हो ताकि हमारे स्वभाव हमारे संपर्क में आने वाले लोग कहें कि वाकई में आपके अंदर यीशु मसीह निवास करता है। ये असली जीवन है और इसी के विषय में इसी ऐसा करने के लिए ही परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा था, और परमेश्वर के इकलौते पुत्र ने पिता की इच्छा को पूरा किया ताकि मानव जाति परमेश्वर की संतान बने। उसने उस बलिदान को अपने शरीर के द्वारा और अपने जीवन के द्वारा पूरा किया ताकि अपना प्राण दे दिया ताकि लोग जीवन पाएं, अनंत जीवन पाएं और परमेश्वर की संतान के रूप में प्रकट हों। और उसने जब ऐसा किया तो परमेश्वर ने उसको तीसरे दिन पुनरुत्थान के द्वारा जीवित किया और उसको परमेश्वर के उपस्थिति में वो पिता के दाहिने जाके बैठ गया, और अब वो पावर में है, अब वो राजा है। और अब उसने जो शुरुआत कर दी, परमेश्वर के राज्य की स्थापना कर दी। हमें और आपको करना क्या, सुसमाचार पर विश्वास करना है, सुसमाचार को ग्रहण करना है, और सुसमाचार को ग्रहण करते ही हमारे जीवन में एक अद्भुत काम होता है। वो क्या होता है, हमारा परमेश्वर के राज्य में जन्म हो जाता है, और परमेश्वर के राज्य में बिना जन्म के कोई उसमें प्रवेश नहीं पा सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय और उसके 3 पद में निकोदेमुस से कहा था, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यानी हम परमेश्वर के राज्य को देखना भी अगर चाहें तो हमें नए सिरे से जन्म लेना है, और यही एक ऐसा पड़ाव है कि यहां तक सुसमाचार सुनकर भीड़ लग गई, लेकिन अभी लोगों के जीवन में एक काम बाकी है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से पहले ये सकरा मार्ग। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला था और उसने कहा था, चौड़े मार्ग से नहीं सकरे फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि सकरा है वो मार्ग और कठिन है वो सकरा है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है यानी अनंत जीवन को, और थोड़े जो उसमें प्रवेश पाते हैं। इसलिए क्योंकि नए जन्म के बाद, नए सिरे से जन्म, परमेश्वर के राज्य में जब हमारा जन्म होता है तब हमारा जीवन वहां पे शुरू होता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी पर हमारे जीवन की शुरुआत हमारे शारीरिक जन्म से होती है, उसी प्रकार परमेश्वर के राज्य में जब हमारा जन्म होता है तब हमारी जीवन की शुरुआत उस राज्य में होती है, और हम परमेश्वर के राज्य के वारिस तब बनते हैं जब पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बनाए जाते हैं, और परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सदृश उसके स्वभाव में परिवर्तित किए जाते हैं ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा में प्रकट हो। जैसे यीशु मसीह का जीवन था,
जैसे उसके चेलों का जीवन था, वैसे ही उसके सच्चे अनुयायियों का, सच्चे विश्वासियों का, उसके वास्तविक लोगों का जीवन हो, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। और इसी कार्य को पूरा करने के लिए, इसी राज्य के काम को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अपने कलीसिया की स्थापना का करी थी। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, जहां पर यीशु मसीह की कलीसिया होगी वहां पर यीशु मसीह का राज्य होगा, वहां पर यीशु मसीह की बातें होंगी, वहां पर यीशु मसीह की सामर्थ कार्य करेगी, और वहां पर पूरी मर्जी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की होगी, और वो हमारे जीवन को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करेंगे, हमें परमेश्वर के राज्य की संतान या ज्योति की संतान बनाएंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन को महत्व देना, और जैसा हम सीखते जा रहे हैं परमेश्वर के वचन को सर्वोपरि रखिए, सर्वप्रथम रखिए। और कुछ भी करिए, आप सब कुछ जरूरी है संसार में, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जीवन है, और जीवन से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। अगर जीवन नहीं तो आपके लिए कोई भी चीज मायने नहीं रखती है। तो जीवन में सब कुछ तब जरूरी हो जाता है जब जीवन है, और जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जीवित रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की उपस्थिति। इन दो चीजों को कभी भी अपने जीवन में अलग ना होने दीजिए, ताकि आपको परमेश्वर की ओर से जीवन भी मिले, जीवन की ज्योति भी मिले, जीवन की सामर्थ भी मिले और चंगाइयां मिले, और आपको कठिन मार्ग में, कठिन परिस्थितियों में स्थिर रहने की सामर्थ मिले, ताकि आप संसार के लोगों की तरह डिप्रेशन में या किसी और अवसाद की दशा में फंस ना जाएं और निर्बल और दुर्बल होकर इस जीवन को खो दे अपने हाथ से। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके इन वचनों के लिए। ये वचन हमारे जीवन में ऐसा काम करते हैं कि हमें जीवन तो मिलता ही मिलता है, लेकिन जीवन की ज्योति भी हमारे जीवन से प्रकट हो। वो जीवन जो हमें प्रभु से मिल रहा है, वो ज्योति समान हमारे जीवन से प्रकट हो, ताकि हमारा जीवन बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बने, लोगों को हमारे जीवन से ज्योति मिले, ताकि प्रभु आपकी महिमा हो और आपके राज्य में लोग बढ़े, आपके राज्य में लोग प्रवेश करें और आपकी महिमा आपके राज्य में लोग करें और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस।